नमस्कार। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 12वीं एग्ज़ाम को स्थगन को लेकर नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उस नोटिफिकेशन की सत्यता की जांच करेंगे। जो यह नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर दिनांक 17/4/2021 के नाम से, जिसमें राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिसमें कई जिलों में लॉकडाउन जो है लगाया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए 12वीं की परीक्षा दिनांक 3/5/2021 से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है और इसका आगामी निर्णय अनुसार लिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देखें तो इस प्रकार से कोई नोटिफिकेशन अपलोड नहीं हुआ है, यह फेक है। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपके पास पहुँचता है तो दोस्तों यह असत्य है, इसको सत्य न माने। अभी दोस्तों रायपुर में लॉकडाउन हो जाने के कारण और छत्तीसगढ़ प्रोफेसर वी के गोयल जो सचिव हैं दोस्तों लॉकडाउन में फंस जाने के कारण अभी निर्णय आने में देरी हो सकता है। लेकिन दोस्त 19 अप्रैल तक रायपुर में लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के पश्चात ही इस पर एग्ज़ाम पर निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी इस प्रकार से 12वीं एग्ज़ाम को स्थगन करने को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी नहीं किया गया, यह फेक नोटिफिकेशन अगर आपके पास आता है तो दोस्तों यह गलत है। अगर आपके पास आते हैं इसे अन्य छात्रों के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि यह गलत नोटिफिकेशन अगर छत्तीसगढ़ शिक्षा वेबसाइट पर जाकर चेक करें तो अभी केवल 12वीं 10वीं का जो एग्ज़ाम स्थगित हुआ है वही नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो जैसे दोस्तों कोई नोटिफिकेशन आता है आपके एग्ज़ाम को लेकर, स्थगन एग्ज़ाम को लेकर या रद्द करने को लेकर, तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, जैसे वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।